विधायक रघुवीर सिंह कादियान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। कादियान साहब आपसे समझेंगे कि कांग्रेस जिस तरह से दावा कर रही है, साथ ही बाकी भी जो विरोधी दल हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि सरकार विश्वास खो चुकी है। हरियाणा सरकार तीन निर्दलीय विधायकों के कांग्रेस को समर्थन दिए जाने के बाद अल्पमत में आ गई है, आप कैसे देख रहे हैं इन हालात को? नहीं, इसमें तो कैटेगरी को भी आप देखो ना, ये 88 की संयुक्त विधानसभा में और नो कॉन्फिडेंस के बाद जब सरकार की अदला बदली हुई, इनकी चीफ मिनिस्टर बदला, तो उस समय नायर सिंह सैनी के समर्थन में 48 MLA ने समर्थन दिया, जिसमें 41 MLA बीजेपी के, एक मिस्टर कांडा 42 और 6 आजाद उम्मीदवार, 48 का समर्थन गवर्नर को दिया इन्होंने। और जेजेपी ने क्विट किया था उस टाइम जब ये उन्होंने, तो 48 के समर्थन में ये है कि भाई तीन चले गए, दो ने इस्तीफा दे दिया, पांच गए, 43 इनके पास आज स्ट्रेंथ है, तो अल्पमत में आ गई सरकार। इमीडिएटली गवर्नर या तो बर्खास्त करना चाहिए या मोरल उस पर ग्राउंड के ऊपर जो है ना मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा देना चाहिए। अभी लोग कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री का सीएम तो कह रहे हैं सरकार सेफ है, मनोहर लाल कह रहे हैं कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं। दूसरा आपसे ये भी जी, नहीं कौन विधायक है फिर संपर्क में है तो बताएंगे। आज देश प्रदेश तो जनता तो ये देख रही है ना जी कि 88 MLA की स्ट्रेंथ में विधानसभा में 43 MLA इनके पास है, वो कौन है कौन नहीं है जनता के सामने बताएं या गवर्नर को दें ये लिस्ट दें कि हम अलग मंच में नहीं है। जी कादियान साहब, अब क्या क्या कुछ हो सकता है कि या तो राज्यपाल की बर्खास्त करें या फिर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें? अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है क्या? अविश्वास प्रस्ताव लाने की स्थिति है क्या? देखो अविश्वास प्रस्ताव तो 6 महीने का वो है, अविश्वास प्रस्ताव तो, लेकिन अल्पमत में सरकार है। अब या तो जो मतलब ये तो कैटेगरिकली आ गया ना जी, 48 MLA की इन्होंने स्ट्रेंथ दी थी, दो ने रिजाइन कर दिया, तीन ने विद्रॉ कर ली, 43 रह गए, तो अलग पंथ में सरकार है। ये बताएं कि भाई ये 43 हमारे 44 या 45 है, ये तो बता नहीं रहे ना जी कौन MLA है जी। अगर कांग्रेस के पास भी बहुमत के, कादियान जी चूंकि आप बेरी से कांग्रेस के विधायक भी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस बहुमत करेगी ना, कांग्रेस प्रेक्टिव वो करेगी जी, है जी ना, बनाने की कोशिश करेंगे हम। हम इस तरह से प्रधानमंत्री का कुंबा नहीं जोड़ेंगे, 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद चुनाव होंगे या 1 महीने के बाद चुनाव होंगे, कांग्रेस मेजोरिटी में आएगी और 80 का आंकड़ा पार करेगी। मैं आपको बताऊं, हुड्डा साहब तो कह रहे हैं कि जेजेपी राज्यपाल को लिखे, बीजेपी के खिलाफ हुए हम, जेजेपी पहल करें, दीपेंद्र भी ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम ऐसा कोई प्रयास ही नहीं करेंगे। हम तो किस लिए, हम नहीं कहा, ये पता है ये कल बीजेपी के साथ लूट रहे थे, ये आज हमारे साथ लूट लेंगे, हम नहीं इनके मतलब उसको हमारा कोई लेना देना नहीं है जेजेपी के साथ। फिर तो आप लोगों को जो जेजेपी है, इनेलो है, वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग तो बी टीम है, चूंकि बीजेपी सरकार चलती रही आप लोग भी हेल्प करेंगे इसमें? नहीं, आप कौन क्या कहता है जी, पॉलिटिकल बातें हैं ये, कौन क्या कहता है कौन नहीं कहता है। अब हमारे 10 के 10 सीटें बीजेपी को हरा कर कांग्रेस पार्टी के 10 के 10 हाथ के निशान पर सीट जाएंगी लोकसभा। आप मेरी आज की बात याद रखिए ना, और आपके यूनिवर्स को भी मैं जो है ना मतलब उनका वो, तो उस हिसाब से जो मेरी अपनी असेसमेंट है वो यही है कि 10 की 10 सीट आएंगी और हम अपनी सरकार बनाएंगे। तो कादियान जी, आप ये जो बातें आपने कही है कि सरकार के अल्पमत में हम सरकार गिराने का प्रयास नहीं करेंगे, हम चुनाव में ही अपनी सरकार बनाएंगे, या तो नैतिकता के आधार पर ये इस्तीफा दे दें या फिर गवर्नर खुद से फैसला लें, आपका ये कहना है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। रघुवीर कादियान को आपने सुना, इनका कहना है कि हम तो प्रयास नहीं करेंगे। सुरेश रोड जी, फिर आप लोग क्यों कह